जी भैया क्या कहते हैं तुम लोग। तो गाइस आज के इस व्लॉग के अंदर आपको स्वागत करते हैं। तो आप यार कह रहे होंगे कि मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं कर रहा। नहीं आपको पता है आपका भाई कितना बिजी बंदा है, ठीक है ना, फजूल काम नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आप इतनी दुखी है तो व्लॉग डाल ही देते हैं। तो इसलिए सिर्फ मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज कुछ स्पेशल आपके लिए, कल के लिए है। तो बेसिकली उसकी तैयारियां करनी है और फिर कल जाना भी है और आपको दिखाएंगे भी कॉलेज के अंदर बेसिकली सीन है। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोबाइल लाओगे तो मैं आपको शायद दिखा पाऊँ जाके प्रॉपर सीन इंशाल्लाह। तो बाकी आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा और सब लोगों से मिलवाऊंगा जो जो मतलब है मेरे इस कम्युनिटी में। और बाकी आपके लिए कुछ स्पेशल है वो भी आपको दिखाने वाले हैं जल्दी। तो आप व्लॉग में बने रहिए और अभी हम जाते हैं, रेडी होते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं। तो यार रेडी होने से याद आया मेरे लैपटॉप में चार्जिंग कम है, चले जाता हूँ लैपटॉप की चार्जिंग तो देखता हूँ। मेरा लैपटॉप कितनी चार्जिंग है, लैपटॉप पावर ऑफ हुआ होगा लगता है। ये रहा लैपटॉप का बैग, इसके में क्या कितनी गंदगी हुई है लैपटॉप मेरा। ओहो मेरा प्यारा लैपटॉप। चार्जिंग हो गई है जी, चार्जिंग हो गई है, फुल चार्जिंग हो गई अपनी, फुल फुल हो गई है। तो लैपटॉप को अब जल्दी से साफ साफ करते हैं और फिर निकल, लैपटॉप साफ साफ कर लिया आपके भाई ने और फिर बस अब रेडी होते हैं जाके बाल छाल कंघी करते हैं और फिर निकलते हैं। तो यार बाल छाल कंघी कर लिए आपके भाई ने और अब बस अब निकलते हैं जल्दी से। टाइम देखते हैं क्या होगा, टाइम हो गया आपके भाई का तकरीबन हो गया 9 बज चुके हैं, अब निकलते हैं और फिर आपको पता है सुबह आना है और फिर सुबह जल्दी से आके रेडी शेडी भी होना है। ये क्या निकला है मेरे मुंह पे, इसको चल छोड़ इसको यार अभी। तो भाई जान निकलते हैं और फिर जल्दी से पहुंच, बैग शैग पैक करते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं, टाइम बहुत हो गया है। चार्जर शार्जर भी उतारते हैं इसका, मैक्सी कम हो गया। हो गया भैया सीन सारा, जल्दी से निकल जाते हैं बस। तो यार देखिए अगले दिन आपको भाई रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यार ये हम सीन रात में पहुंच चुके हैं और ये मेरा स्पेशल प्लान है ये देखिए आए। तो जैसे कि टीचर भी है तो ये सब बच्चे क्लास में टीचर को गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है ना। तो हम भी देंगे यार जल्दी आगे और बाकी ये हमारी क्लास है, ठीक है ना। बाकी यार क्लास में हम देख रहे हैं सारा सीन चल रहा है, सब लोग फोटोशूट करवा रहे हैं टीचर्स के साथ जाके। तो मैं भी चलता हूँ फिर फोटोशूट करवा के आते हैं, भूलना है तो भूल गए, अब किसी दोस्त के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चल चलते हैं, लेकिन आपका किरदार, आपके अदा, ये आपकी शख्सियत का आईनादार। आपने देखा होगा बहुत से लोग दुनिया में मौजूद है तो नहीं पढ़े लिखे कामयाब, उनके पास तरीका है इंकलाब,
तो अपना ये जो एक पॉजिटिव टेम्पर का मतलब इसको बरकरार रखिए ना, साथ में आपके अंदर की ये आप लोगों को बात करूंगी, आपको नवाज है, आप लोगों ने हमें इज्जत दी, अल्लाह आपको और भी इज्जतों से नवाज दे, बुरी इज्जत आपके अपने दे सकते हैं, अपने काम करा ना दे तेरा दुआएं है आप लोगों के लिए, इसके साथ कुछ फेल करना भी चाहते हैं तो क्या, थैंक यू। एक्ट्रेस भी नहीं है। तो गाइस आई एम फाइनली बैक, तो यार ये माफ करना है तो मैं आ रही हूं भाई, भाई ने कर इंटरव्यू भी लेते हैं क्लास आए, ठीक है ना, तो अरे वेले हैं ठीक है भाई, तो जिंदगी ने मोड़ दिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन ऐसे क्या हो गया, इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो। रोक जो सर जी किथे चलने जी, आ मोबाइल फड़ी 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 मोबाइल मोबाइल फड़ी तेरा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी कटी रही है दम, तूने ही दी है अपना वो तेरा मेरा बस हो ही मेरी मज रहे हो अपने अच्छे दोस्त हो गए, वो भाग गया आपको जरूर दिखाओगे मैं, ठीक है ना, तो यार मोदी मिल गया इसको, आपको जल्दी से दिखाते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा मोदी कहाँ तक भागेगा बेटे, इतनी ढूंढ लेंगे हम। गया फिर से मिल गया, ये मिल गया यार मोदी, यार तू इतना क्यों भाग रहा है, माना कि तुझे दराज से वगैरह किया पर तू इतना शर्मा के रहा है, तो यार हमारा केक रह गया ठीक है ना, सेलिब्रेशन की सॉरी 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 केक ही है नहीं केक ही है ठीक है ना, तो यार हम बस प्रिंसिपल का वेट कर रहे हैं, वो आएगा अभी उनका इंतजार कर रहे हैं, बस वो आते हैं जब वो आते हैं। पकड़ी
ये टूट पड़े हैं सारे केक के ऊपर भाई जान। अब्दुल्ला इतनी गंदी नजरों से देखे इसको देखो, इसको देखो भाईजान, आप इतना बड़ा मुंह खोल के ले रहा है। हाँ भी थोड़ा सा केस कर लेते हैं भाईजान, थोड़ा सा हमें लगता है आज नहीं मिलना क्या सी भाई, थोड़ी साइड मारना ना साइड मारो बस, क्रीम ही बची है मान ले। ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर आ चुके हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री है ना, देख फादर ऑफ केमिस्ट्री लिख दूंगा। ये सर बस सी आई थ्री से आगे जाते ही नहीं है, सी आई थ्री से आगे नहीं जाते ये सर। किसी न किसी लेवल के लिहाज से टीचर भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, किसी से हम सीख रहे होते हैं और किसी को सिखा भी रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस इदारे के हवाले से, आप स्टूडेंट हैं, हम एज ए टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन शायद आप अपने घर में जाते हो तो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए आप एज ए टीचर वर्क कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप उनको सिखा रहे हो कि बेटे ऐसे हैं। और मैं समझता हूँ सही टीचिंग वो है जो जिससे हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग हो। ये रस्मी जो एजुकेशन है ये वक्ती होती है, वक्ती रिलेशन होता है, टाइम के साथ खत्म हो जाता है। अब हमारे पास थे दो साल गुजरने वाले हैं, थोड़ा टाइम बाकी है, उसके बाद शायद हम इससे कोई एक दूसरे के साथ मिले, गपशप हो, बात बात हो, मोस्टली के साथ नहीं हो, तो वैसे रस्मी एक ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन कोशिश करें अपने टीचर के साथ आपस में कुछ इस तरह का ताल्लुक बिल्ड करें कि आप लोग यहाँ से चले जाएं तो आप लोग फिर एक दूसरे के साथ मिले। और स्पेशली कोशिश करें आजकल के अपने हकीकी टीचर यानी अपने पेरेंट्स को जरूर हैप्पी टीचर देखें, और वार्मली कहिएगा सिर्फ, और देखिएगा कि जब आप इस तरह से, जैसे बाकी टीचर्स तो आते हैं आपको बड़े जोश के साथ जिसे गहरे होते हैं, यही अगर लहजा आपका हुआ तो आप उनकी आंखों में देखिएगा जिस तरह से आपके लिए मोहब्बत और एक अहम का जज्बा, तो उन्हें भी आप बेटे जरूर कहिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो हमसे कई गुना ज्यादा बेटर आपके लिए टीचर है। थैंक यू, माय फेवरेट टीचर आते हैं यार, फादर ऑफ बिस्किट चिप्स आ चुके हैं, फादर ऑफ बिस्किट चिप्स आ चुके हैं, फादर ऑफ इंग्लिश और सॉरी न्यूटन के बाप आ चुके हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ फिजिक्स आ चुके हैं हमारे, ठीक है ना, फादर ऑफ मिर्जा गालिब और सॉरी आ चुके हैं हमारे उर्दू के सर, एडी सर, लड़ाई होनी है। अभी नहीं है, अभी बनाई जा रहा है। मेरा लगा हुआ था
ये बचा है ये बुफे का माइक रात के यार सारे ये देखो जंगली बुफे का है ये देखो इधर देखो केक चोर को यार लोग के अंदर आप मैं क्यों गाल टूट गया भाई ये टूट गया देखो कैसे बेखुदा काम कर रहे हैं पाकिस्तान भाई डोले ये देख क्या कर रहे हैं इन्होंने और इसके बाद हम घर जा रहे हैं बस अभी थोड़ी देर बाद और ये सिग्मा मैन हमारी क्लास का और ये देखे उन्होंने क्या हाल कर दिया भाई इसके बाद हम घर जाएंगे और ये इसके बाद उनकी मोटिवेशन आई और ये जगह आ गई है हम जा रहे हैं अभी क्लास में जा रहे हैं अच्छी वीडियो बनानी है हमने को ये भाई केक नहीं लगा हुआ खाए ओके ओके ये केक ही लगा हुआ है केक ही है ये कोई केक है भाई हमारा केक अब भर गया भर गया इसके बाद हम घर जाएंगे आ रही है क्लास में चले वीडियो बनानी है सब चले गए क्लास खाली हो गई यार चले गए सारे ये देख ले सब खाली हो गए केक खा लिया क्या किया क्लास खाली रह गई है तकरीबन सब जा चुके हैं ठीक है ना बना ली है चल देखेंगे जो सी सही फिल्म निकली बस हम ये लोग आ गए हमने ना एक वीडियो शूट करनी है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना वो ट्रेंडिंग पे यार इसके पे चल रही है तो आपका भाई वापस आ गया ठीक है ना तो रेडी शेडी हो गए देख सकते हैं आप वी आर वो ना एक शादी थी वो भी अटेंड करनी थी सुबह का सारा वो टीचर्स डे का सारा फंक्शन उसके बाद शादी तो अभी इसके बाद मैंने अपने वो ऑफिस भी जाना काम पे दिए तो आई लोड बहुत था बाकी मैं थक चुका लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करीबी है तो अब चलते हैं फिर थोड़ी देर तक निकलते हैं रेडी शेडी हो गया आपका भाई देख सकते हैं आउटफिट तो बाकी निकलते हैं फिर वहाँ जाके आपको सीन दिखाते हैं सर आपका भाई हो चुका है रेडी ठीक है फंक्शन स्टार्ट होने में रहेंगे तकरीबन अभी 10-15 कोलने आपके भाई को आई जा रही है तकरीबन और कह रहे हैं कि पहुँचा नहीं भाई जाना अभी तक ठीक है ना तो अब्दुल्ला वगैरह भी आ रहा है फिर उससे भी वहीं फुल धूमधाम का कार का दिन चल रहा है अपने भाई का ठीक है ना सुबह से लेके अब तक मस्तियाँ चल रही हैं कसम से हैं एक मिनट भी सुकून का नहीं बैठा लेकिन मज़ा आ रहा है ठीक है ना कोई नहीं कभी कभी ऐसा होना चाहिए तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो पूरी देखना क्योंकि हम लोग 20 मिनट में आते हैं आप लोग 2.5 मिनट देखते हो ठीक है ना तो इससे हमें बहुत डिमोटिवेशन होती है तुम्हें पता है वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा तुम्हारे लिए 1 मिलियन का मैंने खोला हुआ है भाई ने गिव अवे किया हुआ है $1 मिलियन ठीक है ना तुम्हें मैं घर लेकर दूंगा डिफेंस में DHA में ठीक है ना उसके बाद तुम्हारे नीचे लैम्बोर्गिनी और जो मेरी अपनी गाड़ी है ना वो भी तुम्हें दे दूंगा ठीक है ना तो फिक्र नहीं करनी बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और बस इतना सा काम है तुम समझ ही नहीं रहे ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बस तुम मिलियनर हो गए कोई टेंशन ही नहीं तो सही है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो कमेंट भी कर दिया करो और मैं सोच प्रैंक डाला मैंने एक तो ना वो प्रैंक वीडियो आपने देख लिया होगा तो आप मुझे कमेंट करें उसके नीचे जाके आप किस टाइप का प्रैंक वीडियो डालना ठीक है ना तो फिर आप चलते हैं शादी में और फिर आपके वहाँ जाकर मिलते आती आवाज़ है।
भाई शुरू हो गया, सारा फंक्शन खत्म हो गया है। तो अब आपके भाई की बात हो चुकी, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, एक साल हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े। तो भाई जान बात सीना सिर्फ इस वीडियो के एंड कर रहे हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।